मुजफ्फरपुर स्थित छादा चौक के पास कुछ अपराधियों ने एक सैलून संचालक को गोली मार दी। युवक की पहचान संजय ठाकुर के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि संजय कुमार अपना नामक सैलून के संचालक हैं। घटना के बाद संजय कुमार को स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। संजय ठाकुर की स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। और एक संजय जी हैं, अपना सैलून वाले लेलिन चौक पर। दो तीन चार भाई हैं, सब लोगों का अलग अलग सैलून है, छह लोग हैं। अब सुने हैं यहाँ पर आने के बाद कि संजय जी के पुत्र के साथ अपराधियों ने गोली मारा है और उनका हालत बहुत चिंताजनक है। अस्पताल गए हैं। सुनने में परिवार जनों से जानकारी मिली है कि माँ जानकी में गए हैं और सामने खून का छींटा आप देख रहे हैं। अभी तक जहाँ तक मृत हुए हैं कि नहीं, इसकी घोषणा नहीं हुई। नहीं, अभी हमको भी जानकारी नहीं है। यहाँ आने के बाद हम लोग पुलिस को सूचना दिए हैं। पुलिस अब आई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। देखिए आगे क्या होता है, अभी उसके बारे में पता नहीं चला है कि क्या स्थिति है। अब जस्ट हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ जाकर उसकी जानकारी लें। थाना को सूचना हो चुका है, थाना भी आ गया है। यह मझौलिया रोड दामू चौक सड़क जो जोड़ती है उसी के बीच में ललित जी के मकान के पास यह घटना घटी है। करीब कितने बजे की घटना है ये? अभी से हम समझते हैं कि आधा घंटा के अंदर की घटना है यह। और उनका दबा आप देख ही रहे हैं, उसी तरह है। यह दुखद घटना है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।